उत्तराखंड कांग्रेस ने एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला किया है। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार लगातार जनता को झूठे आश्वासन दे रही है, न तो महंगाई कम हो रही है और न ही लोकायुक्त का गठन हो पाया। किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार पर खूब भड़ास निकाली। कांग्रेस ने बताया कि उत्तराखंड के 11 जिलों में पानी की गंभीर समस्या है, मगर सरकार कह रही है कि जनता को 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देंगे। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चार साल बाद मुख्यमंत्री जुमले देने से चूक नहीं रहे। अब कल नया जुमला दे दिया कैबिनेट की मीटिंग में कि 100 रुपए में हम कनेक्शन देंगे पानी का। अरे भैया, पानी का कनेक्शन तो 100 रुपए में दोगे जब पानी नहीं है प्रदेश में। 11 जिले उत्तराखंड के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून से लेकर के गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी, कुमाऊं का मुख्यालय मंडल मुख्यालय नैनीताल, तमाम पहाड़ के जिले हों, तराई के जिले हों, पीने के पानी की परेशानी पूरे राज्य भर में।